हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी एज ए यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका मेरी आज की एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें की वॉक इन इंटरव्यू पे वैकेंसी निकाली गई है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका वो वॉक इन इंटरव्यू रहेगा आपका। उसके अलावा यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। ऑफिशियल नोटिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च नागपुर की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है, जिसका की एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे CSIR का आपको मेल एड्रेस भी दिया गया है, जिसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे 9/1/2023 के दिन यहाँ पे जो आपका रहेगा वो ये नोटिस रिलीज किया गया था, इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका देख पाएंगे। बाकी यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी रहेंगी वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की रहेगी, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की रहेगी, जो कि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी रहने वाली है। इनके जो भी आपके प्रोजेक्ट रहेंगे, बाउंड प्रोजेक्ट रहेंगे, उसके लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो वो एक साल के लिए भी रह सकते हैं, 6 मंथ के लिए भी रह सकते हैं, एंड ये आपके वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी आपका रहेगा वो आपका यहाँ पे 1st से लेके 8th यहाँ पे फरवरी तक जो आपका रहेगा वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, जो कि CSIR CIMFR नागपुर में रहेगा, रिसर्च सेंटर नागपुर में जो वो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जो मेजर टर्म एंड कंडीशंस हैं जो भी कैंडिडेट्स के लिए फॉलो अप करनी पड़ेंगी वो यहाँ पे देख पाए। कैंडिडेट्स को ओरिजिनल मार्कशीट अपनी लेके जानी है, सभी डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने हैं, पासिंग सर्टिफिकेट वॉकर इंटरव्यू के दिन। बाकी मिनिमम 21 एज रहेगी, मैक्सिमम 50 रहेगी, एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए 21 से लेके 35 रहेगी, एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए यहाँ पे जो रहेगी सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम आपकी 40 रहेगी। तो जो भी एज रिलैक्सेशन है एज पर रूल आपको दी जाएगी। बाकी जो भी आपका डॉक्यूमेंट फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा, तो आपको एडवर्टाइजमेंट में एक फॉर्म फिलअप करने को दिया है, वो हार्ड कॉपी आपको साथ में डाउनलोड करके वो अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर जो भी आपका मेंशन कर देना है, एंड अपना जो भी सर्टिफिकेट्स रहेंगे आपको सारे सर्टिफिकेट उसके साथ लेके आने हैं, एंड वॉक इन इंटरव्यू के दिन आपको जाना है। जो आपका यहाँ पे CGPA फॉर्मूला रहेगा वो भी आपको साथ में लेके जाना है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग रहेगा। तो ये थी कुछ टर्म एंड कंडीशन जो कि आप चेक कर सकते हैं। बाकी हम बात करें यहाँ पे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाकर जो विजिट कर पाएंगे। यहाँ पे जो आपकी डिटेल ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नेम ऑफ पोजीशन जो रहेगी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की रहेगी, जिसके लिए आपको स्टाइफंड दिया जाएगा 20,000 पर मंथ, एंड यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नेम रहेगा वो आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट नेम मैं आपके साथ में शेयर नहीं करूंगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको प्रोजेक्ट नंबर जो वो यहाँ पे टाइटल बता दूंगा तो आप देख पाएंगे। थर्ड पार्टी जो रहेगा कोल क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट रहेंगे यहाँ पे, जिसमें की जो आपकी पोजीशंस रहेंगी वो यहाँ पे न्यूनतम मार्क्स आपके जो रहेंगे वो 65% आपके मिनिमम मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखें। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा मैकेनिकल में, एंड BSc आपकी 3 साल की होनी चाहिए केमिस्ट्री में, एंड BSc ही आपकी यहाँ पे 3 साल में होनी चाहिए ऑनर्स में अगर आपने कर रखी है जियोलॉजी में। प्रोजेक्ट नंबर आप देख पाएंगे, प्लेस ऑफ इंटरव्यू आपका नागपुर में रहेगा, सेम आपका जो रहेगा CSIR यहाँ पे सेफर आपका यहाँ पे अनुसंधान केंद्र 17C लखनकेड़ी सिविल लाइंस नागपुर में रहेगा। 4 आपका फरवरी को यहाँ पे जो रहेगा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों का, 6 फरवरी को आपका मैकेनिकल वालों का, एंड 7 फरवरी को BSc केमिस्ट्री वालों का, 8 को आपका रहेगा BSc जियोलॉजी वालों का। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की रहेगी, इसमें 25,000 सैलरी आपको दी जाएगी, और जिस भी कैंडिडेट ने गेट क्वालिफाई कर रखा है, CSIR UGC नेट क्वालिफाई कर रखा है, उनके लिए 31,000 सैलरी जो वो दी जाएगी। इसमें जो आपका रहेगा वो आप चेक कर पाएंगे, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रहेंगे इसमें आपका 65% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, एंड BE BTech सिविल में आपने कर रखी है, माइनिंग में कर रखी है, या तो आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कर रखी है, IT में कर रखी है, मैकेनिकल में ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री कर रखी है केमिस्ट्री में, मास्टर डिग्री अप्लाइड जियोलॉजी में कर रखी है, या तो BTech इलेक्ट्रिकल में कर रखी है। तो आप सभी इंटरव्यू देने जा सकते हैं। जो आपका इंटरव्यू का टाइम रहेगा, डेट रहेगी, वो आप देख पाएंगे। 2 फरवरी के दिन माइनिंग वालों का रहेगा, 3 फरवरी के दिन यहाँ पे जो रहेगा कंप्यूटर वालों का रहेगा, 6 फरवरी के दिन मैकेनिकल वालों का, 7 फरवरी के दिन आपका
अप्लाइड केमिस्ट्री वालों का, 8 फरवरी को रहेगा अप्लाइड जियोलॉजी वालों का, एंड बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले जो रहेंगे 4 फरवरी को जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इसमें भी आपका सेम रहेगा, जो भी आपका सारा सी मैंने ऊपर बताया है तो सेम आपका यहाँ पे इंटरव्यू का रहेगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की बात करें, इसमें 28,000 सैलरी आपको दी जाएगी, इसमें 35,000 जो दिए जाएंगे गेट एंड सीएसआईआर वालों को दिए जाएंगे। इसमें जो आपकी वैकेंसी रहेंगी, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। आपके यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स रहेंगे जिसमें मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में कर रखी है 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में, वो 7 को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। बाकी जियोलॉजी वाले मास्टर डिग्री में 8 को जाएंगे, एंड जो यहाँ पे रहेंगे मास्टर डिग्री माइनिंग वाले जिन्होंने भी ईबीटेक माइनिंग इंजीनियर में कर रखी है, वो यहाँ पे 2 फरवरी के दिन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सेम आपका इंटरव्यू का प्लेस रहेगा जो कि आपको मैंने बता दिया है, एंड जो जो लिस्ट आपको लेके जानी है डॉक्यूमेंट्स की, वो मार्कशीट आपकी रहेगी, मार्कशीट आपकी पासिंग की रहेगी, मैट्रिकुलेशन की रहेगी, डिप्लोमा की रहेगी, उसके अलावा अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, एंड रिसेंट आपकी वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका रहेगा, ईवीएस सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया है तो वो भी आपका यहाँ पे साथ में रहेगा। तो ये सारी आपकी वैकेंसीज की डिटेल थी, इसमें आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिए गए, इसको फिलअप करके आपको साथ में लेके जाना है जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो काफी बढ़िया अपडेट है, एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, जो भी नियर बाय कैंडिडेट्स होंगे वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए, ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। और जो टाइम रहेगा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे 11:30 रहेगा, जो कि आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।